नमस्कार, स्पोर्ट्स एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर यूनिसेफ नेपाल के बैट फॉर ब्रेन डेवलपमेंट अभियान से जुड़े हैं और इसके लिए वे जागरूकता पैदा करने के लिए 3 दिवसीय नेपाल दौरे पर है। अपने इस दौरे के दौरान उन्होंने नेपाल की महिला टीम के साथ मैच खेला। पूर्व भारतीय कप्तान और राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी प्रमुख राहुल द्रविड़ ने कहा है कि एक और जहां पिंक बॉल टेस्ट क्रिकेट में दर्शकों को स्टेडियम की ओर आकर्षित करेगी, तो वह स्टेडियम के अंदर दर्शकों को बेहतर सुविधाएं देने की जरूरत है। एक तरफ टीम इंडिया बांग्लादेश के खिलाफ शुक्रवार को शुरू हो रहे डे नाइट मैच की तैयारियों में लगी है, वहीं पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गुरुवार से शुरू होने वाले टेस्ट मैच की तैयारी कर रही है। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ी चुनौती ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीवन स्मिथ को आउट करना होगा। कर्नाटक प्रीमियर लीग स्पॉट फिक्सिंग और मैच फिक्सिंग मामले में बेंगलुरु पुलिस ने कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ और सभी केपीएल टीम प्रबंधन को नोटिस जारी किया है। नोटिस में 18 सवालों का एक सेट है और पुलिस ने सभी से तय समय सीमा के भीतर जवाब देने के लिए कहा है। पूर्व स्पिनर लक्ष्मण शिवराम कृष्णन को एमएसके प्रसाद की जगह बीसीसीआई सीनियर सिलेक्शन कमेटी का प्रमुख बनने का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। बीसीसीआई की 1 दिसंबर को होने वाली वार्षिक साधारण सभा में सिलेक्शन कमेटी प्रमुख के अलावा क्रिकेट सलाहकार समिति के गठन पर चर्चा होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए एमएसटीवी के साथ। नमस्कार।